हाँ जी, स्वागत थोड़ा इस वीडियो के विच। अज आपां दो चीज़ां पढ़नियां ने इस वीडियो के विच। एक तो पढ़ना आपां स्टारफिश बारे, स्टारफिश किवें भोजन लैंदी है, ते दूजी चीज़ पढ़नी है आपां ने फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, अमीबा के विच भोजन अमीबा किवें ग्रहण करता है। ठीक है जी, अमीबा। तो पहला पढ़ते हैं आपां स्टारफिश बारे। स्टारफिश के विच की हुंदा है, इहदे उपर एक सख्त कवच हुंदा, असल दे विच फिश नहीं हुंदी, कोई मछली नहीं हुंदी है। यह एक ढगी होंगी हार्ड शैल नाल, ये उपर की होंगे ने सख्त कवच लग्या होंगे है। कहदा बनया होंगे कैल्शियम कार्बोनेट का। जो इन्हें भोजन खाना होंगे यदा कवच के स्टमक बाहर आ जाता है, यदा मैदा बाहर आ जाता है। ये एक अजा जीव है जिदा मैदा बाहर आता है खाने वास्ते। तो फिर वह जोड़े जंतु होंगे ने किसी जिन्हों भी खाना होंगे वो सॉफ्ट जोड़े पार्ट होंगे ने सॉफ्ट भागन अंदर लाए जाते कोमल भागन जो। ठीक है जी, फिर मैदा जो हों शरीर वापस बग जाता है, तो हौली हौली भोजन अंदर पची जाता। ठीक है जी, इस तरीके स्टारफिश का कॉन्सैप्ट तुम पढ़ सकते हो। उदू बाद आ गया अपने को अमीबा। अमीबा की होंगे एक, पहले आप अमीबा बारे जाना। अमीबा एक सूखम जीव हों। ठीक है जी, माइक्रोस्कोपिक सिंगल सैल ऑर्गेनिजम, ये एक सैल हों। कि मिलता है, पॉन्ड वाटर के मिलता है, तालाब के पानी के मिलता है। इनू आप नंगी अख नाल देख नहीं सकते, इनू आप देखने वास्ते माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, जिन्होंने सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। अमीबा है जे सैल मैम्बरेन, ये एक सैल मैम्बरेन होंगी है, सैल झिल्ली बोलते जिन्हों, एक न्यूकलीयस होंगे, राउंडड डेंस न्यूकलीयस। ठीक है जी, ये सैल मैम्बरेन के होंगे है डेंस न्यूकलीयस होंगे, जिन्हों बोलिया जाता केंद्रक, एक गोल संघना केंद्रक, तुम पिक्चर के देख सकते हो, इनू बोलिया जाता केंद्रक। ठीक है जी, इस तो बाद होंगे ने फूड बैकेले, इसनों पंजाबी बोलते पर रसदा नहीं है। हाँ जी, इतने पढ़ा आप डेंस न्यूकलीयस एंड मैनी समॉल बबल लाइक वैकल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के केंद्र जिहड़े साइटोप्लाज्म होंगे, साइटोप्लाज्म के होंगे ने आ होंगे ने फूड वैकल। ठीक है जी, अब जिवें तुसीं इहदा फूड वैकल ने आ तुसीं इह देख सकते होंगे, जिहड़ियां गोल गोल असां दे रहियां ने संरचनावां। ठीक है जी, ये चीज़ होंगी तो यह लगातार ये अपनी पोजिशन चेंज करता रहता है, लगातार मतलब हिलता रहता है, ये अपनी स्थिति चेंज करता रहता है, शेप भी चेंज होंगी नाल। ठीक है जी, एक जा वधेरे उंगली वर्ग वधरे कटता रहता है, मतलब यदा मतलब की है, ये जो पैर होंगे ने हिलते रहते हैं। सूँ एक वीडियो दिखाने वाला देख के सारा कॉन्सैप्ट क्लीयर हो जाए, अमीबा किवें मूव करता। हाँ जी, जिवें तुसीं देख सकते हो आ सी अमीबा, यह होंगे न्यूकलीयस, ये होंगे ने वैकल, आ हो गई मैम्बरेन। ठीक है जी, तो हुण ये अपनी शेप लगातार चेंज कर रहे, देखो ये कदे पैर किस तरह हो जाते हैं, कदे किवें हो जाते हैं। हुण देखो ये भोजन किवें खाऊ, ये जो ये कोल भोजन आ गया तो देखो पहला ये उहदे आले दुआले अपने पैरों के नाल एक उहनू इस तरीके नाल कैप्चर कर लू, पकड़ लूगा, फिर उहनू अंदर ले जाऊगा। फिर इस तों बाद विच जिहड़ा भोजन होगा वह सिंपलर सबस्टांस दे विच उहनू चेंज करके जिहड़ा वेस्ट जो उहनू बाहर निकाल दो। ठीक है जी, आ वेस्ट पार्टिकल्स इहदे बाहर आ गए अमीबा दे, तो इस तरीके नाल जिहड़ा अमीबा है वह अपना जिहड़ा पाचन क्रिया करता है, सारा कुछ फूड नू किस तरह खाता। ठीक है, ये कुछ सूखम जीव ही खाता है, तो जो इहनू पता लग जाता भी भोजन आ गया तो यह की करता है, तो यह उहदे आले दुआले जिहड़े पैर ने गे वह ले आता है, उहदे पैर पसार लैंदा चारे पासे। ठीक है, वो अपने पैर देखो, ये पैर नहीं होंगे, ये नकली पैर होंगे ने अमीबा के, वो चारे पासे ये फसा के भोजन अपने वैकल में लै जाता है। तो उदू बाद वैकल के होंगे ने जिमें अपने मनुखी शरीर के निकलते सी पाचक रस, इस तरह के वैकल में ही ये निकलते हैं पाचक रस। उत्थे जिहड़े ये फूड होंगे वह सिंपलर फूड के सिंपलर सबस्टांस के चेंज हो जाता, सरल पदार्थों में चेंज हो जाता, इस तरह यह हौली हौली भोजन सोख लैंदा, तो उदू बाद जिहड़ा बच भोजन बच कुछ जाता है वह बाहर निकाल लैंदा। ठीक है जी, तो इस तरीके अमीबा जिहड़ा कॉन्सैप्ट है सारा पढ़िया, थोड़ा जिहड़ा चैप्टर नंबर टू है साइंस है कंप्लीट हो गया। तुसीं जिहड़ी विजनियां तुसीं वीडियोज़ देखियां बार बार देख के तुसीं समझ सकते हो। ठीक है जी, थैंक यू।